ये बहुत हेडेक है, बोर मत होना, झेल लेना मुझे। कुछ खाने से बेटर है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। होपफुली पत्ते खेल रहे हैं एयरपोर्ट में। मैं सीट एक्सचेंज किया है, शेयर भी कर लेंगे, फिर चलते हैं कहीं और। हेलो, सत श्री अकाल, नमस्ते, केम छो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मॉडरेट मोरेली का स्पेशल। सोच रहे होगे कि आज गाड़ी में बैठ के ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोगों को वेलकम भी बोल रही हूँ। एक्चुअली आज कहीं जाने का प्लान है और आप, मैं कहीं जाऊँ आप लोगों को लेके ना जाऊँ ये तो हो नहीं सकता। एक्चुअली सुबह से सोचा था कि ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ, लेकिन कुछ ना कुछ लाइफ है यार, सबके साथ ऐसा होता होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते चलते रहता है लाइफ में। कोई बात नहीं, अब वैसे भी मेरा गला बैठा हुआ है, आप सबको पता है कुछ दिनों से मैं बहुत वायरल से चल रही थी, अभी मच बेटर हूँ, ट्रैवलिंग कर रही हूँ। कहाँ ट्रैवलिंग कर रही हूँ वो तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, थोड़ा टाइम दे। अभी सफर शुरू हुआ है, अभी काफी लंबा सफर है, चलते हैं साथ में, तो बने रहो मेरे साथ। कहाँ चल रहे हैं? तो आप लोगों को लगता होगा कि मैं इतनी आसानी से जर्नी कैसे कर रही हूँ, यार जर्नी नहीं है मेरे लिए, ये बहुत हेडेक है एक्चुअली अकेले से ट्रैवल करना, कोई साथ में हो थोड़ी तो ठीक है, अकेले से ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं टिकट काउंटर जाती हूँ और सब चीज़ें सेटअप करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए बने रहो मेरे साथ, बोर मत होना, थोड़ा सा झेल लेना मुझे। और मेरी आवाज़ बहुत बदली हुई है, बहुत बहुत बेकार है, बिकॉज़ खास कि मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, फिर भी ट्रैवल तो करना ही है, क्यों कहाँ किस लिए धीरे धीरे पता चल जाएगा, मतलब सब बोर्डिंग पास वगैरह ले लूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। अब बताओ मैं कहाँ जा रही हूँ, बता पाओगे? मुझे लगता है नहीं कि आप लोग बता पाओगे। आई लव मुंबई, ऑलवेज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। अब गेट की तरफ जा रही हूँ, बहुत तेज भूख लगी है गाइस, कुछ खाना सुबह से नहीं खाया था, घर से निकलते वक्त भी नहीं खाया था, तो सोचा कुछ खा लूँ और आप लोगों से बात कर लूँ। मेरी बोर्डिंग ले लिया मैंने, चेक इन कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब बस खाना। अभी तक मैंने बताया नहीं कि मैं जा कहाँ रही हूँ, पता चलेगा जब वहाँ के एयरपोर्ट पे पहुँचूँगी। पहली बार है कोविड के बाद मैं पहला ट्रैवल कर रही हूँ, मैंने अभी तक कोई ट्रैवल नहीं किया था। एक्चुअली सबकी फ्लाइट इतनी डिले है कि बैठ के लोग पत्ते खेल रहे हैं एयरपोर्ट में। अब ये भी देखो यहाँ पे भी पत्ते खेलने लग गए। खाने में ना उत्तपम, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर ज़्यादा हेल्दी होता है, इधर उधर कुछ खाने से बेटर है। हमारा भी फ्लाइट डिले हो चुका है, पता नहीं पायलट शायद सो गया है या तो आया नहीं है टाइम पे, इसलिए फ्लाइट डिले। सबसे बोरिंग होता है कहीं अकेले ट्रैवल कर रहे हो और फ्लाइट डिले हो जाए, क्या करोगे, साथ में कोई होना चाहिए ना। मैं खाना ख़त्म करती हूँ, फिर जब गेट के पास बैठूँगी तब आप लोगों से बात करूँगी।
थोड़ा बहुत कुछ देख लेती हूँ। शॉपिंग तो करना है नहीं, एयरपोर्ट में शॉपिंग वैसे भी नहीं करती हूँ। आज एक्चुअली ना सुबह से मेरा चेहरा उतरा हुआ है, क्यों पता है? क्योंकि मैं आ तो गई हूँ घर पे, एनी ना उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो उसके वजह से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। आना भी था, उधर भी देखना है, समझ नहीं पा रही हूँ। होपफुली अच्छी रहे। एक दिन के लिए जा रही हूँ, बस एक दिन में मन काम ख़त्म हो जाए फिर आ जाऊँ। मैं खाना खा के मिलती हूँ। कितनी औसम है यार। काफी नॉइज है, जो भी बोलूंगी आप लोगों को सुनाई भी नहीं देगा। ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है फ्लाइट। पता नहीं यार क्या सीन है, हर वक्त का यही रहता है इन लोगों का। समझ में ही नहीं आता कि कब उड़ाना है इन लोगों को, या तो हमेशा ऐसा ही सीन है। चलो कोई नहीं, फ्लाइट में बैठ जाती हूँ। अभी तक पता नहीं, अच्छा मैंने अभी तक बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे पता चल जाएगा जब वहाँ के एयरपोर्ट में पहुँचेंगे। फ्लाइट पूरा पैक है, मैंने अपना सीट एक्सचेंज किया है किसी के साथ। एक्चुअली मुझे मिडिल सीट मिला था और मैंने एक्सचेंज कर लिया, विंडो में आ गई। क्योंकि आप लोगों से बात जो करनी थी बात करूँगी तो कैसे होगा, सब मुझे देख रहे होंगे घूर घूर के। और मैं ठीक है, कोई नहीं, हम मिलते हैं, अभी जर्नी शुरू होता है और हम मिलेंगे नेक्स्ट वहाँ पे। तब तक बने रहो मेरे साथ, चलो फिर। पूछ रहे थे कि कहाँ आई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ पहुँच गई। एक्चुअली अभी जस्ट लैंड किया है, अब बैगेज लेना है। कहाँ पहुँच गई हूँ, चलो अब सीक्रेट रिवील करती हूँ, फिर उसके बाद क्यों आई हूँ, क्या करने आई हूँ, नेक्स्ट पार्ट में देखने मिलेगा। लेकिन कहाँ आई हूँ ये देख लो। हाँ
हमारी सुबह की शुरुआत है और हम निकल पड़े हैं गंगा घाट। आप देख रहे होंगे, जा रहे हैं, पहुंचेंगे तो आपको दिखाते हैं। गंगा घाट निकले हैं और क्या नज़ारा है, वहाँ चल के दिखते है ना। और पटना की गलियाँ में थोड़ा बहुत शेयर भी कर लेंगे। ये सबसे बुरा लगता है, ये सबसे बुरा लगता है। पूजा करते हो, सब करते हो यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सबसे बहुत गंदा लगता है। हाँ, मैं चप्पल उतार के जा रही हूँ। सुबह सुबह और अच्छी खासी धूप भी होना शुरू हो चुका है और आए हैं हम गंगा घाट में, जहाँ पे बहुत मान्यता है, पूजा होती है। लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी अपनी मन्नत पूरी करते हैं। और आपको दिखाती हूँ यहाँ से कैसे दिखता है, इतना प्यारा है ना। मतलब ऐसा लगता है सुकून है यहाँ पे, जिससे आप लोग यहाँ पे रूबरू होगे ना और ऐसा लगेगा कि आप यहाँ पे कनेक्टेड हो और कुछ बातें हो रही है। ये देखो कितना प्यारा सा है। बोलते हैं ना नदी समंदर, ये सब बहुत बातें करते हैं लेकिन खामोशी से। शोर तो होता है लेकिन वो शोर में भी ना एक आहट ऐसी होती है जो दिल को दिमाग को बहुत सुकून देता है, जो मुझे दे रहा है। पता नहीं आप लोग इसका मज़ा कितना ले पा रहे हो, लेकिन मैं बहुत मज़ा ले रही हूँ। आई लव दिस प्लेस। तो आज की शुरुआत तो थोड़ी बहुत किया है, फिर चलते हैं कहीं और थोड़ी बहुत मैं जितने थोड़े टाइम के लिए हूँ, ज़्यादा मे भी मैं सब कुछ दिखा नहीं पाऊँ, जितना भी हो सके मैं दिखाने की कोशिश करूँगी। और चलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, पता चलेगा आप लोगों को कि ये शहर भी बड़ा खूबसूरत है ना। चलो फिर चलते हैं पटना की गलियों में थोड़े बहुत। कितना बड़ा है ये, यहाँ पे बहुत धूप हो रहा है जिसकी वजह से मैं कुछ देख भी नहीं पा रही हूँ, आँख नहीं खुल रहा है। फिर भी आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ का नज़ारा। आई हूँ मैं गुरुद्वारा, पटना में है ये बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। जो पंजाबी है उनको पता होगा, जो नहीं भी है उनको भी पता होगा। यहाँ बहुत, ये भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी मन की शांति बहुत होती है। तो मैं दिखाती हूँ आपको बैक करके मेरा चेहरा क्या देखना।